मेरा नाम शैलेश कुमार ओझा, इस मंदिर का मंदिर पुजारी हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। यह मंदिर जो है पूरा जमीन के गर्भगृह में स्थित था, मिट्टी से ढका हुआ था, वीरान रूप से था, पेड़ पौधा जंगल टाइप का था। जब रेलवे लाइन बन रहा था गोमो टू बड़का काना, मतलब हावड़ा से लेकर के बड़का काना रूट बन रहा था रेलवे लाइन, तो मट्टी खुदाई करके उसमें पटरी बिछाने के लिए ले जा रहा था। तो ठेकेदार जो थे गुजरात के थे, मजदूर जो लगा हुआ था, मट्टी जैसे ही खुदाई करके ले जा रहे थे तो ऊपर वाला गुंबज दिखाई दिया। जब ऊपर का गुंबज दिखाई दिया तो मजदूर जो है अपना ठेकेदार को सूचना दें, ठेकेदार गुजरात के थे रामजी बालाजी परमार कच्छी, उनको जब सूचना दें कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ है। जब ठेकेदार यहाँ आया, गुंबज देखा, उन्होंने सनातन धर्म से आते थे, हिंदू थे, उन्होंने जब ये सामने आया गुंबज देखा, त्रिशूल देखा, मंदिर का प्ररूप देखा, उन्होंने और मजदूर लगा करके भाली भांति रूप से साफ सुथरा करवाया। जब मट्टी हटवाया तो मुख्य तीन दरवाज़ा मिला, उसके बाद 6.5 फीट का बरेंडा मिला, बरेंडा के बाद फिर छोटा अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा मिला 5 फीट 3 इंच का, दरवाजे के बाद फिर 6 सीढ़ी नीचे मिला, 6 सीढ़ी के बाद में अंदर ग्राउंड में जो है उत्तर दिशा में शिवलिंग मिला, शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, उनका नाभि से माँ गंगा जल अभिषेक 12 महीना 24 घंटा कंटनी जल अभिषेक शिवलिंग के ऊपर बराबर करते रहता है बाबू कंटनी। ये जल कहाँ से आ रहा है इसका कोई पता नहीं, भगवान विष्णु के नाभि से ही जल अभिषेक 12 महीना 24 घंटा कंटनी हो रहा है बाबा। उत्तर नदी है, लोग तो बहुत सा दिमाग लगाता है कि नदी से कनेक्ट करके गिराया गया, पीछे टंकी टाइप का है, ऊपर भी देवाल जो है 6.5 फीट का देवाल है, तो दिमाग लगाता है कहीं इसके अंदर ना हो। बाबा नदी सूख जाती है, बाबा वाला पानी से नदी चालू रहती है। ये नदी सांडी नदी बोलते हैं, ये दामोदर में जाके मिलती है। उत्तर साइड में नदी बहा हुआ है गंगा, पूर्व में श्मशान घाट है। जो भी श्रद्धालु जो भी भक्तगण जो दूर दराज से आते हैं, जिस कार्य के लिए आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका श्रवण कामना परिपूर्ण करते हैं। मैं इंद्राणी राउत हूँ। इस मंदिर के बारे में जानकारी मिला, मैं कलकत्ता से आई हूँ और मेरे जो गाइड है वो लोग यहाँ पर लेके आए, देख के भक्ति आए, बहुत अच्छे पूजा किया और जो पंडित जी थे मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है टोटी झरना मंदिर, शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, आज से 1500 साल पुराना जो है मंदिर है। और ये मंदिर में जो भी इंसान मांगता है वो पूरा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ देखने पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और इस मंदिर का विशेषता यह है कि मंदिर में एक विष्णु जी का बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर का सामने में शिव जी का शिवलिंग है, हाँ, वहाँ विष्णु भगवान का नाभि से जल अर्पित 24 घंटा होता है, 12 महीना 24 घंटा जल अर्पित होते रहता है, यह इस मंदिर का खासियत है। और जो भी मांगता है लोग उसको वो पूरा होता है, इसी यही सोच के मंदिर आता है लोग। किधर में आया कलकत्ता से, हम लोग होटल में रहता है, अभी सुना है टूटी झरना शिव मंदिर प्राचीन जागृत मंदिर है, इधर आने से पूजा देने से इधर से जो मांगता है वो मिलता है, इसीलिए हम लोग इधर आया, पूजा दिया, पंडित से मुलाकात किया और हम लोग गॉड का प्यार किया, बहुत अच्छा हम लोग लगा है, हम यही है। नमस्ते। चापाकल, हाँ, बगल में हैंडपम्प है, उसमें भी हैंडल चलाने का आपका आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ आपका डोटिन फेल हो सकता है कि कहीं से कनेक्ट करके या कनेक्शन करके पानी लाया गया, लेकिन बगल में वही भोलेनाथ बोले कि यहाँ कौन सा मशीन लगा हुआ है।